पिगमेंटेशन क्या, चेहरे से हर तरीके के दाग आपके मिट जाएंगे, चेहरा शाइन करने लगेगा, अपनी एज से 10 से 20 साल आप खुद ही कम दिखने लगेंगी। तो आपको सबसे पहले तो इसे अच्छे से, सबसे ज्यादा कमेंट आप लोगों ने किया है तो वो झाइयों पिगमेंटेशन के लिए और डलनेस के लिए, स्किन के लिए। मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी झाइयों के लिए कुछ बता दीजिए, पिगमेंटेशन के लिए बता दीजिए, चेहरे पे दाग धब्बे हो गए उसके लिए कुछ बता दीजिए। और मैंने डिसाइड किया कि अगर आपको झाइयां है, पिगमेंटेशन है या फिर किसी तरह के दाग धब्बे हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, चेहरा डल पड़ चुका है, काला पड़ चुका है, मैल जम चुके हैं, इन सारी समस्याओं का बस एक समाधान है मेरा ये नाइट स्किन केयर रूटीन जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। अगर आप इसे रोजाना करती हैं, रात में सोने से 2 मिनट पहले, बेड में जाने से पहले चेहरे को क्लीन करके अगर ये क्रीम लगाती है ना, तो मैं इसका दावा करती हूँ कि आपको रिजल्ट विजिबल होने लगेंगे विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर आपकी झाइयां कम होने लगेगी, चेहरे से दाग धब्बे हटने लगेंगे, चेहरा पे जितना भी मैल है, गंदगी है, वो क्लीन करता है, साथ ही चेहरे पे किसी तरीके के दाग हो, चाहे बहुत पहले का कट लग गया होगा और वो जाने का नाम नहीं ले रहा होगा, तो इससे जरूर जाने वाला है। इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए हैं। झाइयां तो एक बार आ जाए ना तो जाने का नाम नहीं लेती, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि अपने स्किन की खुद से ही केयर करिए। आप इसका इंतजार मत करिए कि झाइयां आएगी तब किया जाएगा, पहले से चेहरे को बहुत ज्यादा बूस्टअप बनाइए, चेहरे पे केयर करिए, नाइट स्किन केयर रूटीन लीजिए। मैं जो हमेशा कहती हूँ, भले मैं दिन भर कैसे भी अपने स्किन को ट्रीट करूं, रोजाना रात में क्लीन करती हूँ और अच्छे से अच्छी नाइट स्किन केयर रूटीन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी थकी हूँ, 2 मिनट पहले बेड में जाने से पहले स्किन को जरूर प्रेप करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि दिन भर थकान के बाद हमारी बॉडी जैसे रेस्ट करती है, हमारा फेस, हमारा स्किन भी रेस्ट मूड में जाता है। उस टाइम पे उसे ऐसा कुछ दिया जाए कि उससे रिजल्ट आपका अच्छा आए। तो इसलिए मैं आज आई हूँ ऐसी नाइट क्रीम लेकर के जो आपकी झाइयों को, पिगमेंटेशन को, मेलाज्मा को, छोटे छोटे से फ्रिकल्स हो गए हैं, दाने के दाग धब्बे हो गए हैं, उसे ठीक करने का दावा करता है। सो चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवलीन की दुनिया, जहां मैं बिना पॉकेट हिट किए हुए यानी बिना पैसे खर्च कराए हुए आपको बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियो शेयर करती हूँ। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट अवेलेबल है ना, उसी से बताती हूँ कि कैसे आप उसका उससे यूज करके बिना पैसे खर्च किए अपने स्किन को प्रेप कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल पे और जाके सारी वीडियोस को वॉच करिए, तब आपको शायद यकीन हो जाएगा। और कमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे अपने जो कहते हैं ना, यूज करके शेयर करते हैं ना, उसे पढ़ने का अलग ही मजा होता है। उसे सुन करके या देख करके बहुत खुशी होती है कि भाई मेरी रेमेडीज किसी ने इस्तेमाल की है और उसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, रेमेडीज इस्तेमाल करें, अच्छा रिजल्ट मिले शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि सच में ये वर्क करता है। जो अपने माइंड में ये थॉट लेकर के बैठे हैं ना कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होने जा रहा है, तो आप एक हफ्ते जरूर इस्तेमाल करें। अगर वो रेमेडी सूट नहीं कर रही, तो मैंने हजारों हजार रेमेडी ऑलरेडी बता रखी है, बहुत सारे रेमेडी बता रखी है, उनमें से कोई चूज करे, वो नहीं सूट करे दूसरा चूज करे, कोई ना कोई आपकी स्किन पे जाएगा। और जब जाएगा और सूट कर जाएगा ना, तो आपको कोई भी केमिकल की चीजें अपने स्किन में देने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। सो चलिए, आज की क्रीम कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीजें आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। चैनल पे पहली बार आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूरी से प्रेस करिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। एंड साथ में अगर वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, एक लाइक जरूर करिएगा। और चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल, और इसमें हम लेने वाले हैं आलू का रस, यानी आलू के जूस को हम निकाल करके 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो आलू लिया है, आलू को इस पूरे छिलके को पील ऑफ किया है, पूरे छिलके को हटाया है, उसके बाद उसे वॉश आउट किया है, और उसके बाद इसे क्रश करके इसका जूस निकाला है। पोटैटो के जूस में इतनी कैपेसिटी होती है कि आपके चेहरे पे हो रहे दाग धब्बे को हटाता है, झाइयों को जड़ से खत्म कर देता है। ये आपके चेहरे पे हो रहे पिगमेंटेशन, फ्रिकल्स या दाग धब्बे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं ना, तो उसे ठीक करता है, चेहरे को मॉइस्चर देता है, चेहरे पे अगर बहुत कालापन मैल जमा है तो उस मैल को हटा देता है। तो आपको लेना है यहाँ पे आलू का रस, 2 चम्मच आपको ले लेना है। तो मैंने जैसे आपको बताया है वैसे ही आप आलू का रस निकालेंगे, धो करके और क्रश करना है, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको 2 चम्मच जैसा ले लेना है,
2 टेबल स्पून आपको लेना है आलू का रस यानी आप पोटैटो का जूस। इसमें हम सेकेंड इंग्रेडिएंट जो ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। हमारा क्रीम का जो बेस इंग्रेडिएंट है ना वो है एलोवेरा जेल, जो हमारे चेहरे पे हो रहे फंगल इन्फेक्शन को, खुजली को, ईचनेस को या फिर रेडनेस को या फिर टैन को ये बहुत अच्छे से काट के निकाल देता है, चेहरे पे हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो हमने यहाँ पे ले लेना है एक चम्मच भर करके, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 1 टेबल स्पून आपको भर करके लेना है यहाँ पे आलू के जूस यानी पोटैटो के जूस में आपको डाल देना है। अब इन दोनों को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपकी झाइयों पे इस तरीके से काम करेगा ना कि आपके रातों रात चेहरा देखिएगा खिलने लगेगा, चेहरे पे जो शाइन आएगी वो बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे दिखेगी। तो ये इस तरीके का टेक्सचर में आपको अचीव हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं वो है टर्मरिक यानी वाइल्ड हल्दी। आपको लेना है कस्तूरी हल्दी, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर की हल्दी जरूर इस्तेमाल कर सकती है मगर उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, पिंच ऑफ होने वाली है। तो ये है कस्तूरी हल्दी यानी वाइल्ड हल्दी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखिए हल्का सा इसमें डाल दूंगी। एक सेकंड मैं इसी से करती हूँ, मैं स्पून से लेकर के आपको दिखा रही हूँ। तो आपको लेना है कस्तूरी हल्दी, ये देखिए आपको थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी लेना है और इसमें अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। ये तीनों इंग्रेडिएंट ना आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, झाइयां, आपके चेहरे पे कालापन है, मैल है, इन ये क्रीम आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। हमारा क्रीम बनके बहुत ही देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे टेक्सचर में तैयार हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। बदलते मौसम के साथ साथ चेहरा बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो इस वजह से हम विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आपको लेना है 1 कैप्सूल, ये आपके चेहरे से बुढ़ापन हटाता है, चेहरे को यंग और यूथ दिखाने के लिए कारगर है। विटामिन हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा यूथनेस लाता है, चेहरे पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे भी ये ठीक करता है। तो आपको टर्मरिक लेना है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ वो है हमारा विटामिन ई के 1 कैप्सूल। आपको यहाँ पे 1 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, इसे ज्यादा आप नहीं डालेंगे। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना या घटाना है तो उस हिसाब से चीजों को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 विटामिन ई के कैप्सूल इस पे ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आपको 1 ही विटामिन ई के कैप्सूल ले लेने हैं, ये आपके इस चेहरे पे हो रहे ड्राइनेस रफनेस को ठीक करता है। और हमारा जो क्रीम है ना बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। ये ही है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन अभी फिलहाल का, जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है और ये लगाने के बाद आपके चेहरे को बहुत ज्यादा शाइन देता है, चेहरे पे हो रहे झाइयां पिगमेंटेशन तो बिल्कुल गायब से हो जाएंगे। और 1 वीक के बाद आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक देखिएगा तो खुद आपको समझ में आएगा। रोजाना रात में सोने से 2 मिनट पहले इसे मसाज करना है, कैसे करना है चलिए बताती हूँ। इस क्रीम को अप्लाई करने का सही तरीका मैं बताने वाली हूँ, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर सही तरीके से चीजें नहीं की जाए तो चेहरे पे वो शाइन नहीं मिलता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चेहरे को क्लीन करना है। मैंने यहाँ पे अपने स्किन को वॉश कर लिया है मगर फिर भी मैं रोज वाटर से आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। आप अगर मेकअप वियर किए हैं तो आपको फेस वॉश प्रॉपर क्लींजर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने स्किन पे इसे देना है। तो मैं अपने स्किन से इसे पहले सबसे पहले तो अपने स्किन को क्लीन करूंगी, जिसके लिए मैंने कॉटन का पैड लिया। आप देख सकते हैं मैंने कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया अपने स्किन पे, बिल्कुल जो कहते हैं नेचुरल स्किन और लिपस्टिक बस और कुछ नहीं लगाया है। आप यहाँ देख सकते हैं इवन मैंने काजल भी नहीं आज वेयर किया है एंड मेरी स्किन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं किया है मैंने। आपको आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। तो आपको भी अपने स्किन को सबसे पहले कर लेना है क्लीन। क्लीन करने के बाद इस क्रीम को कैसे लगाना है, तो आपको लेना है जैसे नॉर्मल क्रीम हम लगाते हैं वैसे आपको करना है टैप टैप टैप। और इस तरीके से करने के बाद 2-3 फेशियल स्टेप्स जो मैं बताती हूँ ना आप ध्यान दे करके सुनेंगे ना और फॉलो करेंगे ना तो मैं जानती हूँ कि चेहरे से झाइयां पिगमेंटेशन क्या, चेहरे से हर तरीके के दाग आपके मिट जाएंगे, चेहरा शाइन करने लगेगा, अपनी एज से 10 से 20 साल आप खुद ही कम दिखने लगेंगी। तो आपको सबसे पहले तो इसे अच्छी तरीके से हर पार्ट में मिक्स कर लेना है। उस पार्ट में जरूर लगाएं जिस पार्ट में आपकी झाइयां बहुत ज्यादा है, वहां पे आप भर भर के लगाएं, भर भर के का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद आपको लेना है ये 2 फिंगर और आपको बनाना है 8। ये देखिए ये इस तरीके से बनाने से ना आपको
आपके जो फेस का जो एक ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो रेगुलेट होता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इस तरीके से 8 बनाना है। इसके बाद हमारा सेकंड जो होता है वो ये होता है, जो आपको कंटूर करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से मसाज करना है अपने स्किन पे ना, एक अच्छा सा ग्लो चाहिए ना, तो ये फेशियल का जो स्टेप्स मैं बताती हूँ ना, वो फॉलो जरूर करिएगा। उसके बाद आपको आईब्रोज के लिए, आईज के लिए ये इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको करना है इस तरीके से अपलिफ्ट। हमेशा बताती हूँ, चेहरे को जितना अपलिफ्ट करिएगा, यूथ, यंग और ब्यूटीफुल दिखेगा। चेहरा का लटकना ही आपकी एज को दर्शाने लगता है। तो आपको अपने चेहरे को हमेशा अपलिफ्ट करना है। क्रीम लगा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने चेहरे को इस तरीके से कभी नहीं करिएगा। हमेशा इस तरीके से ही करने की कोशिश करिएगा। इससे आपका चेहरा अपलिफ्ट रहेगा, यंग और यूथ दिखता है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और बस आपको कुछ नहीं करना है। बस रात में सोने से 2 मिनट पहले इसे इस तरीके से अप्लाई करके तो देखें, चेहरे पे शाइन तो आएगी, चेहरा तो खिलेगा, दाग धब्बे हटेंगे, झाइयां, पिगमेंटेशन या फिर मिलाजमा या किसी तरीके के दाग धब्बे हटेंगे, इचनेस है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, रेडनेस आ जाता है चेहरे पे, वो भी सारे गायब हो जाएंगे। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं इस नाइट स्किन केयर रूटीन को कैसे फॉलो करना है। हर तरीका जैसे मैंने बताया वैसे करना है, रात में सोने से पहले करना है, क्लीन जरूर करेंगे चेहरे को, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। अगर चेहरे पे मेकअप है तो फेस वॉश क्लींजिंग जरूर करिए चेहरे पे बेड में जाने से पहले। आप देखेंगे आधा से ज्यादा प्रॉब्लम क्लींजिंग से ही सॉल्व हो जाती है, अगर चेहरे को क्लीन रख रहे हैं तो। और इन सब झमेले में नहीं पड़ना है, तो कच्चा दूध तो मैं ऑल टाइम बताती हूँ, कच्चा दूध से अपने चेहरे को रोजाना साफ करें तो चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे और चेहरे पे मैल, जितने भी गंदगी है, इजिली रिमूव हो जाएगा। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं, ये सारे लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, 1515 से एवव जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, इसे प्रिपेयर करके अपने स्किन पे दे सकते हैं। केमिकल फ्री है, सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल है, आपको कोई भी पॉकेट को हिट नहीं कर रहा है, कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो देरी किस बात की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए।